नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए। शनिदेव का गोचर सन 2023 में धनुराशि वालों के क्या लेकर आ रहा है, उनके जीवन में क्या अनुकूलता और क्या प्रतिकूलता का प्रभाव डालेगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 को शाम को 5:04 पर अपने ही मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, शनिदेव कर्म फलदाता हैं, न्यायदाता हैं और कर्म के कारक ग्रह हैं। जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो दोस्तों हर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली भी कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह जो अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव होते हैं वह व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों और उनकी दशाओं पर निर्भर करता है। जब बात हो दोस्तों शनिदेव के गोचर की, तो शनिदेव जब गोचर करते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी धनुराशि वालों के लिए हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, धनुराशि वाले के लिए देखा जाए, शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हुए शनिदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। जब शनिदेव का तृतीय भाव में अपने ही स्वराशि में गोचर होगा तो दोस्तों उस स्थिति में व्यक्ति के साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति का साहस पराक्रम हो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना आएगी। उसके साथ में दोस्तों आपके जो भाई बहन हैं आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे, रिश्तेदारों से आपको सहयोग मिलेगा, आप जिस कार्य को ठान लेंगे उसको बहुत ही सुगमता और सरलता से पूर्ण करेंगे। शनिदेव का गोचर तीसरे भाव में देखा जाए तो आपके बच्चे के लिए, आपके संतान के लिए काफ़ी अच्छा दे के जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा दे जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ने में उनका मन लगेगा, पढ़ाई में उनको सफलता मिलेगी, उनके जीवन में तरक्की मिलेगी, पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा, भाई बहन नात रिश्तेदार इष्ट मित्र परिवार सब आपके पक्ष की बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो इसमें विशेष बात है दोस्तों, जिस कार्य को आप ठान लेंगे वह कार्य आप पूर्ण करके ही बैठेंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों, जब शनिदेव का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा तो उसी के साथ में आपकी जन्म कुंडली से शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। जब शनि की 7.5 समाप्त होती है पूर्ण रूप से, तो आपको विदित होना चाहिए कि ऐसे स्थिति में आपके मन का जो बोझ होता है वह समाप्त हो जाता है और आपके अंदर जो संघर्षशील वाली भावना होती है वह विद्यमान रहती है। तो हर कार्य के लिए आप उत्तेजित रहेंगे और बहुत अच्छे कार्य करने में सफलता पाएंगे। आप जिस कार्य को भी आप ठानेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर के दौरान दोस्तों आपको छोटी मोटी वर्ष पर्यंत यात्रा करती रहनी, यात्रा करना के योग बनते रहेंगे, आप यात्रा करते रहेंगे। इस गोचर के दौरान आपके जन्म कुंडली में विदेश के भी योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, आप इच्छा रखते हैं, तो आप विदेश भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, जब भी जन्म कुंडली में कोई योग बनता है, योग बनने से नहीं, उस योग के साथ साथ में आपके अंदर इच्छा और योग्यता तो होनी चाहिए। यदि आपके अंदर योग्यता है इच्छा नहीं तो नहीं जा पाएंगे, इच्छा है योग्यता नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। उस स्थिति में जब भी आपकी जन्म कुंडली में कोई भी योग बने, उस योग के साथ साथ में आपके अंदर ये दोनों चीज विद्यमान होना चाहिए, इच्छा और इसके बाद आपके अंदर योग्यता, यह दोनों होने चाहिए। तो दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए जो गोचर है काफी अच्छा है, हर तरफ से इनको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, क्योंकि शनि की 7.5 जब समाप्त होती है तो उसके साथ में ही व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो यह धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है। यदि यह संयमता से सुगमता से अच्छे कार्य करेंगे तो इस गोचर में उनको सब कुछ प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे, अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।